तू चंडेल से हाथ मिला रहा था। रुक जाओ। मेरी एक लौती पत्नी है बुद्धू, क्या करूं इन्हें? अब लोग बाहर आकर अपने हथियार डाल दो, वरना इस झांसी की रानी की जान चली जाएगी। सुपरस्टार रणबीर कपूर की अदाकारी फिल्म शमशेरा जोश से भरी एक एंटरटेनमेंट फिल्म होने वाली है। वैसे आपको बता दें कि ये 22 फरवरी को रिलीज होने वाली है और हिंदी, तमिल, तेलुगु भाषा में रिलीज होने के लिए ये बिल्कुल तैयार है। वैसे आपको बता दें कि इसका निर्देशन कर रहे हैं करण मल्होत्रा। इतना ही नहीं बल्कि आपको ये भी बता दें कि इसकी रिलीज डेट को काफी अनोखे तरीके से अनाउंस किया गया है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो आपको बता दें कि इसकी रिलीज डेट को एक बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ रिलीज किया गया है। वैसे आपको ये भी बता दें कि ऑडियंस को काफी पसंद आई है और वो काफी उत्सुकता भी जताई है उन्होंने। वैसे आपको बता दें कि ट्रेलर देखने के बाद सभी एक्साइटेड हो गए, इनफैक्ट हम भी काफी एक्साइटेड है इस फिल्म को देखने के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बैकग्राउंड म्यूजिक को बनाने के लिए कितना समय लगा है? अगर हम आपको जानकारी दे देंगे तो आप तो बिल्कुल हैरान ही रह जाएंगे। वैसे आपको बता दें कि इस बैकग्राउंड म्यूजिक को बनाने के लिए पूरे 7 महीने लगे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, पूरे 7 महीने, जिसका खुलासा खुद करण मल्होत्रा ने किया है। और साथ ही में उन्होंने ये भी बताया है कि किसी भी टीजर या वीडियो को बनाने के लिए ऑडियंस का टेस्ट पता होना बहुत जरूरी है, ताकि उसी अकॉर्डिंग काम कर पाए, जिसके लिए काफी मेहनत भी लगती है। और अगर ऑडियंस ने उस चीज को नोटिस कर ली, इनफैक्ट अगर उसकी तारीफ कर ली, तो सोच लीजिए कि वो चीज में आप बिल्कुल सक्सेसफुल है। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ऑडियंस ने इस चीज की तारीफ की और उन्होंने नोटिस किया है कि मैंने इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया है। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि इसमें पूरे 7 महीने के टाइम लगे, जिसके लिए मैंने और मिथुन ने बहुत मेहनत की है। फिल्म की बात करें तो आपको बता दें कि रणबीर कपूर पहली बार ऐसे किरदार में नजर आने वाले हैं जिसको फैंस ने आज तक कभी नहीं देखा होगा। वैसे साथ में आपको ये भी बता दें कि इस फिल्म में संजय दत्त भी नजर आने वाले हैं, वो भी एक खलनायक के रूप में। जी हाँ, वैसे आपको बता दें कि इस फिल्म में दोनों का टक्कर भी होने वाला है, जो बिल्कुल देखने लायक होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस फिल्म में एक्ट्रेस कौन होने वाली है, तो आपको बता दें 9 साल पहले जो सबकी धड़कन हुआ करते थे, यानी कि लीड सुशांत सिंह राजपूत, उनके साथ आपने शुद्ध देसी रोमांस में वाणी को तो देखा ही होगा, जिन्होंने उस फिल्म से ही डेब्यू किया था। तो आपको बता दें कि वाणी को अपने फिल्मी करियर की सबसे बड़ी फिल्म शमशेरा मिली है, जिसमें वो हमें नजर आने वाली है रणबीर कपूर के साथ रोमांस करते हुए। जी हाँ, ऐसा पहली बार होने वाला है कि सिल्वर स्क्रीन पर ये दोनों कपल रोमांस करते हुए दिखाई देने वाले। आजादी से पहले बांगियों पर बनी इस फिल्म में वाणी एक बंजारा नचनिया की भूमिका निभाने वाली है, जिसे आजाद घूमने वाले शमशेरा से प्यार हो जाए। अब देखना तो ये है कि क्या धमाका करने वाली है वाणी संजय दत्त और रणबीर कपूर के साथ। तो जल्दी से जाइए और बताइए हमें कमेंट सेक्शन में कि आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर। और जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करो तो बिल्कुल ना भूले।